हेलो गेमर्स, तो कैसे आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू द अंदर गेम प्ले सीरीज जिसका नाम है जू टाइकून। तो गाइस ये वाला जो गेम है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड सच्ची बताऊं बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस गेम के अंदर, क्योंकि हम इस गेम के अंदर खुद का एक जू जो है ना बनाने वाले हैं एंड साथ ही साथ उस जू के अंदर हम इसमें काफी सारे जानवरों को ऐड करने वाले हैं, उनकी केयर टेकिंग भी करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से गेम को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले जो इसका ट्रेनिंग मोड है ना उसको ओपन करते हैं, क्योंकि भाई देखो थोड़ा बहुत मेरे को भी सीखना पड़ेगा, अभी तक मुझे नहीं पता है इस गेम के अंदर क्या होता है। तो 2 मिनट की ट्रेनिंग है तो फटाफट से उसको कर लेते हैं एंड नॉर्थ अमेरिका को सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए एंड चलो फटाफट से ना पहले ट्रेनिंग को कम्प्लीट करते हैं। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए मैं आ चुका हूं अपने प्यारे सी जू के अंदर एंड भाई यहाँ के ग्राफिक्स देख रहे हो यार कितने ज्यादा बढ़िया भाई इस गेम की। लिटरली यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हैं, काफी सारी बटरफ्लाई उड़ रही है। अगर ऊपर की साइड पे आप देखोगे ना भाई यहाँ पे कितने सारे चिड़िया वगैरह उड़ रही है भाई। काश ऐसा वातावरण यार अपने आसपास होता ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगता। बाकी अभी मेरे को ट्यूटोरियल जो है ना फटाफट से इसको कंप्लीट करना है, तो चलो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद गाइस हम यहाँ पर अपना खुद का जू भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए पहले जो ये ट्यूटोरियल है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज योर जू, मूव द माउस लुक अप एट द जू साइन। मैं शायद से जू के साइन को वगैरह को भी चेंज कर सकता हूँ क्या, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखेंगे अगर चेंज वगैरह कर पाएंगे। फिलहाल के लिए अपने को गेम जो है ना चलना फिरना सिखा रहा है भाई, इतना भी नूब नहीं हूँ भाई, सब गेम खेलता हूँ मैं तो मेरे को पता है इतना। तो बाकी गाइस इस गेम के अंदर होने वाले हैं 2 मोड्स, मतलब हम ना ऊपर वाले व्यू से भी देख सकते हैं अपने जू को और नीचे वाले व्यू से भी देख सकते हैं। तो ये वाला है ऊपर वाला व्यू जो कि अपने को बिल्डिंग में यहाँ पर काफी ज्यादा काम आने वाला है एंड जिस व्यू में अभी तक हम थे ये नॉर्मल व्यू है, ठीक है। तो इसमें वापस से मैं नीचे चलता हूँ, एक सेकंड, वापस से जाने में क्या था, अच्छा टैबी को दबाना था भाई। देख रहे हो क्या टेलीपोर्टेशन वगैरह होती है, तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है ये वाला टेलीपोर्टेशन। बाकी अभी मेरे को इससे इंटरेक्ट करना है तो इससे इंटरेक्ट करते हैं, शायद से एम्प्लॉई है ना अपनी जू टाइकून वाली, हाँ ये अपनी एम्प्लॉई है तो इससे इंटरेक्ट करते हैं। तेरेगी भाई ये रकून कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार, देख रहे हो रकून ही है ना, रकून ही लग रहा है भाई, इसे देख के ना डोरेमोन की याद आ रही है भाई, वो रकून बोलते थे ना उसको सब लोग भाई, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। डेट वॉज कूल, लेट्स गो मीट द अदर एनिमल्स इन द जू, गो टू द एलिफेंट एग्जिबिट। तो अपने को अभी एलिफेंट एग्जिबिट पे जाना है जहाँ पे काफी सारे एलिफेंट्स वगैरह होने वाले हैं। बाकी अगर आप एंट्रेंस पे देखोगे ना तो शायद से ये वाला जो जगह है ये टिकट्स का जगह होगा ना, यहाँ पर लोग टिकट्स वगैरह लेते होंगे। बाकी बच्चे देखो कितने ज्यादा खुश हो रहे यार, खेलने पे लगे पड़े भाई यहाँ मस्त। यहाँ पर 2 कपल्स भी हैं जो यहाँ पर एंजॉय करने आ रखे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अपने को एलिफेंट्स की एग्जिबिट के पास चलना है तो यहाँ पर चलते हैं भाई साहब। 3-3 एनिमल्स है भाई यहाँ पर, मतलब 3-3 एलिफेंट्स भाई, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं ये। एंड अभी मेरे को यहाँ पर क्या करना है, अच्छा मैं इनसे बात वगैरह कर सकता हूँ, वाओ लेट्स सी, एक बार बात करके देखते हैं, व्यू कर सकता हूँ मैं एनिमल्स को। इसका नाम क्या है, इसका नाम रोको है एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे एनिमल्स है गाइस, देख रहे हो इसका नाम ईवा है और जो ये वाली एनिमल है इसका नाम निकिता है भाई साहब, नाम देख रहे हो कैसे रखे भाई इंडियन, और यहाँ पे खेल रही है भाई लिटरली, कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है यार ये, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इनकी ना यहाँ पर डिटेल्स वगैरह चेक कर सकता हूँ कि इनको खाना वगैरह सही से मिल रहा है, साफ सफाई इनकी सही से हो रही है नहीं हो रही है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं चेक कर सकता हूँ। बाकी अभी मेरे को यहाँ पर खाना वगैरह इनको शायद से खिलाना है ना, हाँ खाना वगैरह खिलाना है। इफ एनी एनिमल्स नीड्स आर ग्रीन देन दोज नीड्स आर मेट एंड द एनिमल्स विल बी हैप्पियर, प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू, ठीक है। स्पेस दबाते हैं, बी श्योर टू चेक द नीड्स ऑफ ऑल ऑफ योर एनिमल्स रेगुलरली। तो इनकी ना मेरे को हेल्थ वगैरह रोज चेक करती रहनी पड़ेगी ताकि इनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिलहाल के लिए इनको मेरे को खाना वगैरह खिलाना है, ठीक है। तो एक सेकेंड भाई, मैं वापस इस मोड पे आ गया, ओके नाइस नाइस। तो अभी मेरे को ना इनको खाना खिलाना है, ठीक है। तो फटाफट से इनको पहले खाना खिलाते हैं, किसको बुलाया भाई मैंने, रॉको को बुलाया, ठीक है। रॉको आ जा यार जल्दी से, ले तेरा खाना फटाफट आ ले, खाना खा, आजा 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 आजा, बुला तो रहा हूँ, आजा भाई जल्दी, कोई और खा जाएगा तेरा खाना, नाराज हो रहा है क्या, आजा रोको रोको, ये है क्या रोको रोको, आजा, कौन सा वाला है रोको भाई पता ही नहीं रोको है कौन से वाला, ये बीच वाला ही लग रहा है मेरे को, ये ज्यादा चुलबुला सा है ना, इसी को देता हूँ भाई। पता है मेरा ना रोको करके मेरा नाम ना उसमें था, गया था पबजी में, पता है जब मैं पबजी वगैरह खेला करता था। फिलहाल के लिए चलो इसको फूड ऑफर करता हूँ एंड इसको फूड खिलाता हूँ भाई, क्या मस्त तरीके से खा रहा है यार, देख रहे हो कितना रियलिस्टिक बनाया गया है यार, एलिफेंट सच में रियल लग रहा है, सच में रियल लग रहा है गाइस। चलो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रेस इसका बढ़ा है, थोड़ा सा खाना और देता हूँ उसको, ठीक है। इस बार इसको ऑरेंज खिलाते हैं, ले भाई ऑरेंज का, चल ऑरेंज का, ओ तेरे की गाइस, देख रहे हो यार क्या रियल में ऐसा लग रहा है, सही में खा रहा होगा यार गाइस, सच में यार गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सपोर्ट दिखाना, लाइक जरूर से कर देना वीडियो को, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको खाना वगैरह खिला दिया है एंड
वेल डन बाय मीटिंग हिज हंगर नीड यू हैव मेड दिस गाय रियली हैप्पी। ओके तू खुश रहे भाई, यहाँ तेरे को मैं टाइम टू टाइम खाना खिलाता रहूंगा। बाकी अभी ट्यूटोरियल जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। बाकी यहाँ पर ये बोला जा रहा है अगर मैं यहाँ पर ना इन जानवरों को खाना वगैरह टाइम से खिलाता रहूंगा तो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो खुश होंगे, फेम बढ़ेगा, लेवल इंक्रीज होगा एंड हम यहाँ पे ना और भी ज्यादा जानवर जो है ना अपने इस जू टाइकून के अंदर लगा पाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। बाकी ये भी बता रहे हैं कि अगर मैं इनकी टेक केयर नहीं करूंगा और ये मतलब इनकी तबीयत वगैरह खराब हो जाती है ना तो फिर क्या होगा ना, ये लोग मतलब यहाँ से चले भी जाएंगे यार। देखो क्योंकि ना लोग जो है इनको देखने के लिए आ रहे हैं बेसिकली, है ना, और अगर यही तबीयत इनकी खराब रहेगी तो इनको गुस्सा आएगा कि जो यहाँ का मालिक है वो टेक केयर नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे को इनका ये जो बार वगैरह है ना इसको देखते रहना पड़ेगा, तो इसको देखते रहेंगे। इट्स लुक लाइक द एलिफेंट्स आर टेकन केयर ऑफ। हाँ भाई देख लिया मैंने, यू ऑल्सो हैव सम जिराफ्स इन योर ज़ू। तो ठीक है, जिराफ की तरफ चलते हैं एंड जिराफ को भी जाकर देखते हैं। भाई सही में यार गेम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। बाकी एक बार जरा पास चल के देखते हैं यहाँ पर। ओ तेरे की भाई कितने बड़े बड़े जिराफ यार। इनका भी हंगर लेवल जो है ना यार वो बहुत ज्यादा कम है, तो शायद से मेरे को इनका हंगर लेवल जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनको खाना वगैरह खिलाना पड़ेगा, तो फटाफट से इनको भी खाना वगैरह खिलाते हैं। इसका नाम है जैसी, इसका नाम जैसी है, और भी यहाँ पर काफी सारे एनिमल्स हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है विंसिलेडेल। है भाई बड़ा अजीब नाम है, छोड़ो। बाकी इसको खिलाते हैं हम थोड़ा सा खाना। इसको ऑरेंज खिलाता हूँ यार, एक ऑरेंज और एक एप्पल खिला देता हूँ। मर्लिन मर्लिन आ जाओ भाई, मर्लिन नारा भाई मैं देख रहा हूँ क्या बढ़िया नारा है। मर्लिन को नहीं बुलाया यार मैंने, छोटे वाले को बुला लिया। ठीक है छोटू आ जा जल्दी, आ ले 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 तेरा खाना, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये बच्चों की तरह कर रहा है, जैसे बच्चे करते हैं ना वैसे कर रहा है भाई, सेम। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है यार। आ जा आ जा आ जा, ले खाना खा, चल फटाफट से खाना खा, खाना खा ले, खाना खा ले, आ जा आ जा आ जा। अरे तेरे की गाय का बच्चा लग रहा है मुझे तो, गाय का बच्चा लग रहा है। क्या मेरे को ना सफेद जेबरा देखने दे गाइस, सफेद जेबरा। ठीक है, बाकी मैं ना एप्पल उठाता हूँ आपकी बार, एप्पल खिलाता हूँ रुको। ठीक है ले एप्पल खा थोड़ा सा, चल एप्पल खा और खुश रहे भाई, अपनी जिंदगी जीता रहे भाई। उसको पीछे देख रहे हो, अभी दिखाता हूँ रुको आपको ना, वो तेरे ही कूद के जा रहा है, उसे देख रहे हो पीछे भाई। सीरियसली यार वो मस्त नहा रहा है वो। दी जिराफ लुक अ लॉट हैप्पियर नाउ, चेक द इन्फो पैनल यूजिंग शिफ्ट टू मेक श्योर ऑल देयर आर नीड्स आर मेड। ठीक है ठीक है, फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा हरा हो चुका है, तो मतलब इनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, वेल डन यू हैव मेड दिस जिराफ्स हैप्पी टू। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी रिमेंबर कीप योर एनिमल्स हैप्पी बाय मीटिंग देयर नीड्स। हाँ समझ गया मैं, इनको बस हैप्पी रखना है, इनको ना खाने को भी टाइम टू टाइम देते रहना है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी और क्या करने का अपने, लेट्स एक्सप्लोर द जू, वी कुड रन बट देयर इज अ मच क्विकर एंड कूलर वे टू गेट अराउंड योर जू। अच्छा वो क्या है, मैं यहाँ पर बग्गी को बुला सकता हूँ भाई। बग्गी कहाँ पर है, ओ तेरे की भाई ऐसे कौन बग्गी को बुलाता है भाई, कूद के आ गई है। तो बाकी मैं इस बग्गी के अंदर बैठ सकता हूँ, वाओ भाई मैं बग्गी के अंदर बैठ सकता हूँ गाइस एंड इसको चला सकता हूँ, वाओ। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, हैवी ड्राइवर आ रहा है। ये इन्होंने बढ़िया कर दिया कि यहाँ से ना ये बच्चे लोग अपना आप हट जाते हैं, नहीं तो भाई पेडेस्ट्रियन मरेंगे ना, तो भाई ऐसा तो अपना जू चलने से रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए बढ़िया चल रहा है भाई, जू बढ़िया चल रहा है फिलहाल के लिए। मैं इससे उतरता हूँ, इसको हम बाद में चलाएंगे। ठीक है, अभी हमारे को यार अपना जू बनाना है, मेन काम वो है, तो उसको बनाएंगे। डेट कवर्स मूविंग अराउंड द जू, वेदर यू आर वॉकिंग और ड्राइविंग द बगी, द जू इज अ ग्रेट प्लेस टू बी, प्रेस स्पेस टू कंटिन्यू। ठीक है, तो शायद से अपना अब कंप्लीट हो जाएगा ट्यूटोरियल या नहीं, हाँ शायद से मुझे लग रहा है। ओके तो गाइज अपना ट्यूटोरियल फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट गाइज फाइनली अभी हम आए अपने जू के अंदर, इससे पहले हम ट्रेनिंग मोड के अंदर थे, नाउ अब हम यहाँ पे अपना खुद का जू जो है ना उसको क्रिएट करने वाले हैं। अभी भाई मेरे पे ज्यादा पैसे नहीं है तो जल्दी जल्दी चलते हैं, जल करके ना अपना पहले जो है जू को क्रिएट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर भी अपने पास टिकट काउंटर वगैरह दिए गए हैं जहाँ पर लोग आकर के टिकट वगैरह खरीद सकते हैं। बाकी यहाँ पर काफी सारी बगीज हैं जिसके अंदर मैं अपने लोगों को शायद से घुमा वगैरह सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे को अपना जो जू है ना यार उसको बिल्ड करना है, तो यहाँ पे काफी सारी एग्जिबिट्स वगैरह जो मैं लगा सकता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं ना, एक एग्जिबिट बनाते जिसके अंदर हम यहाँ पर अपने एनिमल्स को रख पाएंगे। तो एक आउटबैक है और एक ट्रॉपिकल है, तो दोनों को ही दोनों बनाएंगे। फिलहाल के लिए मैं बनाने वाला हूँ आउटबैक स्मॉल वाली। ओ तेरे की भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है यार, ये देख रहे हो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है। एंड मैं सोच रहा हूँ उसको अगर मैं इधर की तरफ बनाऊँ तो ज्यादा बढ़िया होगा ना, हाँ मेरे हिसाब से इधर की तरफ पे ज्यादा बढ़िया होगा। इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं और थोड़ा सा पास करके और इसको ना यहाँ पर बनाते हैं, देख रहे हो भाई साहब। और अपना जू फेम इंक्रीज भी हो गया, वाओ। अभी तो जस्ट हमने बनाई है और अभी यहाँ पर जू फेम इंक्रीज हो गया, मतलब हम यहाँ पर अब
बहुत जल्दी जल्दी ना और भी अच्छे अच्छे एनिमल्स को रख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए एक तो हो गया, बाकी बैक करते हैं। और मेरे को पाथ वगैरह जोड़ने थे यार, पाथ वगैरह मेरे को जोड़ने थे। इसके पाथ एडिटर पे चलते हैं, ये वाला पाथ मेरे को ऐड करना है इसका। ठीक है, तो इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अभी देख रहे वहां से भी लोग आ सकते हैं और यहाँ से भी लोग आ सकते हैं। बीच में थोड़ा सा जगह आई है, तो इसके अंदर हम कुछ खाने वगैरह का सीन भी कर सकते हैं क्या? शायद से हम खाने वगैरह का सीन कर सकते हैं। बाकी एक बार जरा एग्जिबिट के पास चल के देखे, एग्जिबिट के पास चल के देखते हैं। अबे यार मैंने ना एक काम तो किया ही नहीं, रुको, मेरे को ना इसके अंदर कुछ एनिमल्स वगैरह भी जो है उनको भी रखना है। ठीक है, अरे मेरे को बनाना नहीं है, रुक जा, बनाना नहीं है मेरे को ना, एडिट करना है एग्जिबिट को। ठीक है, एनिमल्स वगैरह मेरे को डालने पड़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स को अडॉप्ट करते हैं। जैगुआर्स को रख सकता हूँ भाई मैं, पैराग्वाई जैगुआर आ सकते हैं भाई। तो ठीक है, फटाफट से काम करते हैं। ये तो बच्चा है, हमारे को थोड़े से बड़े वाले चाहिए, तो ये लेवल 6 और 7 के हैं, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ठीक रहेंगे, मेल फीमेल। ठीक है, तो एक तो मैं इसको रख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, $2400 का ये अपने को पड़ा है, तो एक तो मैंने फिलहाल के लिए इसको मंगा लिया और साथ ही साथ एक फीमेल को मंगा लेता हूँ। ठीक है, तो चलो दोनों के दोनों आ चुके हैं। बाकी एक बार जरा एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा आगे की साइड पे चलते हैं और जा करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, डायरेक्ट टेलीपोर्ट करेंगे। गाइज यहाँ पे देखो यार, जैगुआर आ चुके हैं भाई एक, और दूसरा जैगुआर कहाँ पर है? दूसरा जैगुआर नहीं आया शायद से, अभी मेरे को थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा भाई। जैगुआर क्या सही लग रहा है यार, ये कास में से बात कर सकता हूँ ना वैसे तो, अब रुको इससे शायद से हम बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं 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 अभी बात करने का ऑप्शन नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। एक्चुअली में ऐसा है ना गाइज, देखो अभी इनके लिए पहले खाने पीने का जुगाड़ कर देते हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे। ठीक है, एक और जैगुआर आ चुका है अपने पास, दोनों मेल फीमेल हो चुके हैं, बाकी 1000 का रिवॉर्ड भी मिला है अपने को। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर जानवर आते जाएंगे ना, वैसे वैसे अपने यहाँ पर पैसे बढ़ते जाएंगे, एंड साथ ही साथ हमारे यहाँ पर फेम का लेवल बढ़ेगा, मतलब फेम बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन वगैरह भी बढ़ेगी। ठीक है भाई, 1000 थी, 1100 हो गई है, तो धीरे धीरे करके फिलहाल के लिए बढ़ रहे हैं। बाकी अभी मेरे को इनकी एग्जिबिट के अंदर ना, ओ मैं यहाँ से इनको देख सकता हूँ, वाओ ये देख रहे हो, ओ तेरे की भाई कितना ज्यादा सही लग रहा है गाइस, देख रहे हो कितना ज्यादा सही लग रहा है। एनिमल कैमरा भी है, हम इस पे फोकस भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको बाद में देखेंगे। बाकी अभी मेरे को ना यहाँ पर इनके लिए खाना वगैरह डालना है यार, तो पहले ना इनके लिए खाना वगैरह डालते हैं। ठीक है, एग्जिबिट के आइटम्स यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, एनिमल केयर के अंदर जा करके यहाँ पर मैं इनके लिए ना चीजें लगा सकता हूँ। तो क्या बिल्ड कर सकता हूँ एक बार मैं देखता हूँ, मैं फिश फीडिंग स्टेशन बना सकता हूँ, मीट फीडिंग स्टेशन बना सकता हूँ। तो एक्चुअली मैं ना ये मीट वगैरह खाते हैं, तो मेरे हिसाब से इनके लिए मीट वगैरह बना देना चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर ना मीट वगैरह इससे खा पाएंगे। बाकी और क्या क्या चीजें मैं वो देख लेता हूँ रुको। ठीक है, एग्जिबिट आइटम के अंदर एनरिचमेंट्स मेरे को चाहिए होगी, तो एनरिचमेंट्स के अंदर देखते हैं, एनरिचमेंट्स के अंदर क्या क्या है यहाँ पर। खेलने कूदने के लिए इनके लिए यहाँ पर रोप टॉयज है, शेल्टर्स है, क्लाइंबिंग फ्रेम्स है, क्लाइंबिंग फ्रेम्स बनाते हैं क्योंकि ना ये लोग कूदने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इनको ना कूदना वगैरह बहुत पसंद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लाइंबिंग फ्रेम बना दिया है। बाकी थोड़ा सा और देखते हैं इसके लिए हम क्या बना सकते हैं एग्जिबिट आइटम के अंदर ही। एनरिचमेंट के मैं ज्यादा चीजें लगाना चाहता हूँ इनके ना, ये जितना ज्यादा हंसते खेलते रहेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया होगा। वैसे मैं यहाँ पर और कुछ लगा नहीं सकता क्या? मेरे को देखना पड़ेगा यार, मैं सिर्फ एक दो आइटम ही लगा सकता हूँ, मेरे को तो कम से कम 2-3 आइटम लगाने थे यार इनके ना, ताकि आराम से यहाँ पर खेलते विलते रहें। बाकी खाना खाने आ रहा है क्या? ओ तेरे की गाइस, देख रहे हो खाना खाने आ रहा है भाई, ओ भाई कितना रियलिस्टिक बनाया गया यार इस गेम को, देख रहे हो भाई साहब बहुत सही लग रहा है। बाकी देखते हैं, रुको मैं अगर और एनरिचमेंट की चीज़ें लगा पाऊँ तो, नहीं गाइज मैं इतनी ही एनरिचमेंट की चीज़ें लगा सकता था, फिलहाल के लिए मैंने लगा दी है। बाकी अभी मैं इंट्रैक्शन के लिए यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इंट्रैक्शन के लिए कुछ बिल्ड कर देते हैं, फीडिंग इंट्रैक्शन कर सकते हैं, हॉज इंट्रैक्शन कर सकते हैं, फीडिंग वाला लगा दूँ क्या? फीडिंग वाला लगाते हैं। ठीक है, तो ताकि यहाँ पर आके ना लोग वगैरह जो है आराम से इनको खाना वगैरह खिला पाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये तो बढ़िया हो चुका है भाई, यहाँ से लोग आकर के इनको खाना वगैरह भी खिला सकते हैं। तो एक तो हमने बना दिया है, मैं सोच रहा हूँ ना एक दो और बनाते हैं यार। ठीक है, एक दो एग्जिबिट ना और यहाँ पर बिल्ड करते हैं। अभी तक हमने बड़ी वाली एग्जिबिट बिल्ड करी थी, एक मिनी एग्जिबिट जो है ना उसको बिल्ड कर देता हूँ। ट्रॉपिकल ट्री है यहाँ पर, ट्रॉपिकल लॉन है, और ट्रॉपिकल एरिड पूल भी है। ठीक है, तो एरिड पूल लगाऊं क्या यहाँ पर? एरिड पूल अगर मैं यहाँ पर सेंटर पे कहीं पे लगा पाऊँ तो मजा आ जाएगा, है ना? यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया रहेगा। बीच में आ जाए यार, बीच में भी आ सकता है ना? हाँ आ सकता है, तो इसको बीच में लगाते हैं। ओ तेरे की गाइस, यहाँ पे कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ मेरे को एक और कनेक्ट करना है पाथ ना, तो एक और पाथ बना देता हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ से बना बनाया तो है पाथ, बट स्टिल यहाँ वाला पाथ ना मैं बना देता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पर
ये देख रहे हो अभी, ठीक है ना, ये पात बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी एक पात मैं यहाँ से भी शायद से ले जा सकता हूँ और यहाँ तक बिल्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं, यहाँ पर मैं बिल्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलो फिलहाल के लिए इसको ऐसा रहने देते हैं। और इसके अंदर मैं क्या क्या रख सकता हूँ वो देखना है मेरे को, इसके अंदर मैं क्या क्या रख सकता हूँ। कौन आएगा भाई इसके अंदर, रुको देखते एक बार ना। इसके अंदर अडॉप्ट करके क्रोकोडाइल रख सकते हैं, वाटर स्नेक रख सकते हैं। क्रोकोडाइल डाल दूँ क्या यहाँ पर? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल बिगन रिसर्च। अच्छा, मेरे को इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो फिलहाल के लिए इसको रिसर्च के लिए लगा देता हूँ। जैसे इसकी रिसर्च कंप्लीट होगी ना, वैसे हम शायद से इसको यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो रिसर्च इसकी कंप्लीट हो चुकी है एंड इसको भी यहाँ पर ऐड करते हैं। एक ही रखते हैं यार, छोटी सी जगह है ना, तो एक ही रखते हैं यहाँ पर। मैट रखे, लेडी रखे, गोल्डी रखे, किसको रखे भाई? लेवल 12 वाले को रख देते हैं सीधा, ठीक है। लेवल 12 वाले को रखते हैं यहाँ पर। ओके ओके गाइस, देख रहे हो यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, वाओ। बाकी मैं इसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐड कर ही सकता हूँ आइटम्स वगैरह ना। तो यहाँ पर हम इसके लिए फीडिंग स्टेशन लगा सकते हैं, एक फीडिंग स्टेशन लगा दे क्या? ये ऑलरेडी फीडिंग स्टेशन है इसका, ठीक है। इसका जो फीडिंग स्टेशन है ना गाइस, वो ऑलरेडी यहाँ पर है। इसको रिफिल करना पड़ेगा अपने को ना, इसको रिफिल करना पड़ेगा, बट यहाँ पर रिफिल का ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है। वाई दिस कोला वेरिडी? रिफिल का ऑप्शन आना चाहिए ना इसको, रिफिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है यार अभी, शायद से वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी इसी की है कि मतलब हमारा जो क्रोकोडाइल का रिसर्च है ना वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी अपना जो जू का फेम है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, वो लेवल 4 पे पहुंच चुका है। अभी मेरे को यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो एग्जिबिट्स है ना उनको लगाना है, तो और भी काफ़ी सारे एग्जिबिट्स लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छे अच्छे भाई, मेरे को ना कोई बढ़िया सा जानवर चाहिए अब यहाँ पर, ठीक है। बढ़िया सा जानवर लगाते हैं यहाँ पर, एक बढ़िया सा ट्रॉपिकल वाला बनाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल वाला, ट्रॉपिकल मीडियम बिगिन रिसर्च, नहीं इसके लिए तो रिसर्च करनी पड़ेगी। ट्रॉपिकल स्मॉल वाला बना देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पर बनाऊँ क्या? यहाँ पर कैसा रहेगा, है ना, यहाँ पर ठीक रहेगा। इसको घुमाते हैं थोड़ा सा, बढ़िया, और दोनों तरफ से रास्ता होगा ना तो ये अच्छा लगेगा। लो यहाँ पर हमने एक और बना दिया। बाकी इस पाथ को कनेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और साथ ही साथ जो ये वाला पाथ है ना इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। भाई ये बार बार हट जाता है पाथ ना, फटाफट से इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं। बढ़िया, ये देख रहे हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है ना, अब आराम से लोग घूम पाएंगे यहाँ से। यहाँ से मैं घुमा सकता हूँ क्या इसको? मेरे को ना यहाँ से भी एक पाथ को यहाँ पर ऐड करना था यार। नो एडिशनल पाथ कैन बी बिल्ड फ्रॉम दिस अट्रैक्शन, ठीक है। तो मेरे को ऐसे करके बिल्ड करना पड़ेगा। चलो फिलहाल के लिए बढ़िया बन चुका है हमारा ये वाला भी। बाकी इसके अंदर ना मेरे को जो है एनिमल्स ऐड करने हैं, तो इसके अंदर कौन से एनिमल्स ऐड करे जाए? कंगारू ऐड कर सकता हूँ मैं, वाओ। रेड कंगारू है, वेस्टर्न ग्रे कंगारू भी है, तो इसकी रिसर्च स्टार्ट कर देता हूँ। एंड साथ ही साथ ना यहाँ पर कौन से वाला कंगारू ऐड करूँ यार? माइकल को ऐड कर दूँ, लेवल 10 के हैं ये। लेकिन यार अपने को पैसे भी देखने हैं भाई, पैसे बहुत कम है अपने पे ना, तो आराम से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी और भी कंगारू आ चुके हैं वैसे तो यहाँ पर, वेस्टर्न ग्रे कंगारू भी आ चुके हैं। इनके पैसे भी यार बहुत ज़्यादा हैं, तो एक काम करते हैं ना, फिलहाल के लिए रेड कंगारू को रखते हैं। एंड ये वाले अपने को सस्ते पड़ जाएंगे, ठीक है, प्याले अपने को सस्ते पड़ जाएंगे। तो एक तो ये अडॉप्ट कर लेता हूँ, और साथ ही साथ और कोई सस्ते वाला है क्या यहाँ पर? ये तो बच्चा है यार, 52,000 का है, तो ठीक है एक ना इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। भाई अब पैसे नहीं है तो अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे, उसके बाद ना यहाँ पर और भी बहुत अच्छे अच्छे जानवर हैं उनको अडॉप्ट करेंगे। फिलहाल के लिए नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और नीचे जा करके ना पहले कंगारू को देखते हैं। भाई यहाँ पे लोग भी आ गए गाइस, देख रहे हो इनको देखने के लिए। भाई मेरे को अंदर जाने दो ना यार, अंदर से देखना था मेरे को यार। ये देख रहे हो गाइस कंगारू अपना कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। रुको मैं ना इसको आपको पास से दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको पास से दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई कितना ज्यादा सही लग रहा है यार। अबे शर्मा को रहा है यहाँ देख भाई साहब। एक और आने वाला अभी, बहुत जल्दी आने वाला वो, ठीक है, वेट करते थोड़ा सा, आने वाला होगा। बाकी अपने पैसे बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो भाई देखो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा पैसे होंगे अपने पास। बाकी यार लोगों के लिए ना खाने पीने का भी मेरे को लगाना पड़ेगा कुछ ना, ठीक है। चैलेंज अनसक्सेसफुल, द मैगजीन गॉट अ फोटो फ्रॉम अनदर जू एंड गिव देम द रिवॉर्ड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे करके हो जाएगा ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी तो हमने जस्ट जू को स्टार्ट करा है। बाकी दोनों के दोनों कंगारू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। इनके फिलहाल के लिए हमारे को एनरिचमेंट वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए वो सब चीज़ें लगानी है, तो इसके खाने के लिए यहाँ पर बिल्ड कर देते हैं। ये लोग क्या खाते हैं? ये लोग तो ये सब कुछ खाते होंगे ना, तो यहाँ पर एक ये बिल्ड कर देता। भाई कितना ज़्यादा सही लग रहा है यार, ये देख रहे हो बहुत ज़्यादा बढ़िया बना है ये। बाकी मैं इनको अपग्रेड कर सकता हूँ, तो इन फ्यूचर में इनको अपग्रेड करते जाएंगे। और साथ ही साथ ना इनके लिए मैं यहाँ पर एनरिचमेंट के लिए कुछ लगा देता हूँ, ठीक है। एनरिचमेंट के लिए क्या लगाया जाए इनके लिए? ये कूदते वगैरह है ना, तो रॉप टॉयज लगा दूँ क्या? ये वाला लगेगा ना, ये बढ़िया लगेगा, इस पर ये पंचिंग वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। लेट्स सी, पास से देखते थोड़ा सा।
ओ तेरे की गाइस देख रहे हो यहाँ पर। अभी ना पंचिंग वगैरह कर सकते हैं, शायद से कूद वगैरह भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इनके लिए काफी ज्यादा बढ़िया चीजें बना दी है, ठीक है। बाकी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं इनको देख के ना, यहाँ पर काफी ज्यादा इनको अच्छा लग रहा है। बाकी अब मेरे को यार लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ेगा, जहाँ पर लोग वगैरह आकर के ना अपने मतलब खाने वगैरह कुछ खाना वगैरह खा सके या फिर टॉयलेट वगैरह के लिए जा सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बनानी पड़ेगी। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कंसेशन और फैसिलिटी के अंदर, यहाँ पर अपने पास काफी सारी चीजें। तो एक रेस्ट रूम बनाते हैं। रेस्ट रूम कहाँ पर बन सकता है यार? रेस्ट रूम ना एक काम करते हैं, एंट्रेंस पे बना देते हैं, ठीक है। रेस्ट रूम एंट्रेंस पे बना देते हैं और इसको यहाँ पर कहीं पर जोड़ सकता हूँ क्या मैं? हाँ यहाँ पर जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर जोड़ते हैं इसको और फटाफट से ना इनके भी पाथ जो है इसको बिल्ड कर देते हैं। और एक पाथ और बिल्ड करना है मेरे को, उसको भी ना मैं फटाफट से यहाँ से और यहाँ बिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लोग आराम से आकर के टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं। बाकी इनके खाने पीने का भी मेरे को सोचना था थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा खाने पीने का भी ना जुगाड़ करता हुआ जाता हूँ यहाँ पर। कंसेशन पे चलते हैं। एंटरटेनमेंट एंड फूड एंड ड्रिंक, तो फूड एंड ड्रिंक मेरे को लगाना है यहाँ पर। एक ये लगा देता हूँ मैं। फूड का कहाँ पर लगाऊँ? फूड का मैं एंट्रेंस पे लगा दूँ? फूड एंट्रेंस पे रहेगा तो नहीं बेकार लगेगा। इसको ना थोड़ा सा बीच में लगाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बीच में लगाते हैं। आजा भाई आजा, थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर ना इसके पाथ वगैरह को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये पाथ जुड़ गया। और एक और लगा सकता हूँ मैं, मिल्क शेक वगैरह का भी लगा सकता हूँ। तो इसके ना वो ओपन कर देता हूँ रिसर्च, ठीक है। इसको भी लगाएंगे, बाकी थोड़ी देर में रिसर्च हो जाएगी इसकी, ठीक है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक पाथ और ऐड कर देता हूँ उसका, ताकि लोगों को ज़्यादा घूम के आना पड़े यार, क्योंकि जो इस वाले एग्जिबिट पाएंगे ना वो यहाँ से जा करके देख पाएंगे, ठीक है। एंड अभी जितना ज़्यादा हम यहाँ पर खाना वगैरह सेल करेंगे उतना ज़्यादा अपने को और प्रॉफिट होगा। बाकी मेरे को ना थोड़ा सा इधर की साइड पे एक मिल्क शेक का काउंटर और लगाना था, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ कहीं पे हम मिल्क शेक का काउंटर लगा सकते हैं। बाकी एक बार मैं आप लोगों को ना फिर से अपने जो जानवर वगैरह यार वो दिखा देता हूँ। अपना क्रोकोडाइल दिखाता हूँ पहले यार आप लोगों को ना, क्रोकोडाइल दिखाता हूँ। ये देख रहे हो अपना क्रोकोडाइल भाई कैसे बैठा है भाई यहाँ पर आराम से। अगर ये बाहर आ गया ना बेटे पीछे होके देख लो, अंदर कर जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, समझ आ रहा है? वैसे ठीक है गाइस, आज के लिए हमने ना काफी अच्छी प्रोग्रेस कर लिया। देखो कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है यार अपना जू, काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो इस वाले एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई होप ये वाला एपिसोड जो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल में हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और एपिसोड के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।